Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. Hey, जल्दी जल्दी हाथ चला। राजा साहब का हुक्म है, 2 दिनों के भीतर माल भेजना पड़ेगा। ठीक है मुंशी जी। रघु कहाँ गया रे? अभी तो था, शायद पानी पीने गया होगा। पानी पीने गया? आने दे उसे, एक नंबर का काम चोर। जंगल में कौन से कर रहा है? चल 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 मुंशी जी, मुंशी जी। क्या बात है रघु? क्या हुआ? रघु कहाँ है? रघु मर गया मुंशी जी। ये क्या? हाँ मुंशी जी। चलो चलो चल 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 ने मार डाला। क्या फिर से? चलिए। ये तो बहुत अजीब बात है, ये कोई जानवर है क्या? इतने दिनों से काम कर रहा हूं, 2-4 हिरन छोड़ के और कोई जानवर नहीं दिखा। ये सब जानवर का काम नहीं है, मेरी बात मानो, ये सब भगवान का खेल है। अरे अरे चलो थोड़ा हट जाओ। एक के बाद एक सब मर रहे हैं, अगर इसका कोई इंतजाम नहीं किया गया तो हम कोई काम नहीं करेंगे। इसका तो समाधान करना ही होगा। समाधान तो मैं 24 घंटे के अंदर कर सकता हूँ, यदि चोर गुंडा बदमाश का काम होता तो, परंतु सुन रहा हूँ कि भूत। अच्छा, पुलिस, पुलिस कभी भूत पकड़ सकता है? आप यदि कुछ झाड़ फूक की व्यवस्था। आप श्योर हैं? श्योर मतलब? आप श्योर हैं कि ये भूत का काम है?
मतलब वो श्योर तो नहीं हूँ। देखिए, भूत के डर से इंसान मरता है ये मैंने सुना। मैंने भी सुना है। लेकिन भूत खून करता है ये आपने सुना है? नहीं तो, पर इन लोगों ने कहा कि ये अनपढ़ गांव वाले हैं, ये जो कुछ भी कहें, भूत कभी भी गला दाब कर नहीं मारता या गले में नाखूनों का निशान नहीं छोड़ता। जानवर भी हो सकता है? ये भी नहीं, क्योंकि आमतौर पर जंगली जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान को मारते हैं, दांत और नाखून से शरीर को चीड़ फाड़ देते हैं। लेकिन जो तीन खून हुए हैं उसमें हर एक को गला दाब कर मारा गया है। जंगली जानवर गला दाब कर नहीं मारते। एब्सोल्युटली राइट, पर क्या हो सकता है बोलिए तो? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है। क्या लगता है? खून। खून? ये क्या? गदाधर चतुर्वेदी के जूरी सेक्शन में खून? हाँ, सिर्फ यही नहीं, ठंडे दिमाग से प्लान करके खून किए गए हैं। कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोई क्लू? बोला मैंने, मुझे लगता है। आप जंगल में पुलिस की पोस्टिंग कीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। सुना तुम लोगों ने, अब निश्चिंत होकर जाओ और अपना काम करो। ठीक है साहब। आप आज ही पुलिस का इंतजाम कीजिए। जरूर जरूर। पालान, बीर सिंह। अरे बुला रहा है, जल्दी चल। ओह बीर सिंह जी साहब। ये अच्छर। ये है पालन चावला और ये है बीर सिंह। ये दोनों ही पहरा देंगे आज से जंगल में। जंगल में? हाँ, भूत और डकैत दोनों को ही पकड़ना होगा। अच्छा, शुक्रिया। चलिए मुंशी जी। सरला। ओ सरला। क्या बात है भैया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बढ़िया खबर, बढ़िया खबर, एक साथ तीन तीन बढ़िया खबर। ओह अच्छा, आज जो मुझे खुशी हो रही है ना। हाँ भैया, बोलोगे तो सही, क्या बात है? एक नंबर। हाँ, तुम्हारे भतीजे ने एमए पास किया है। सिर्फ पास ही नहीं, फर्स्ट क्लास मिला है। भगवान ने सुन ली। नंबर दो। हाँ, 18 साल पहले कुमार के बचपन में मैंने जो रिश्ता तय किया था विनायक के लड़की के साथ, वो मतलब वो रिश्ता क्या अभी भी कायम है? है मतलब? ये राय खानदान की दी हुई जबान झूठ नहीं हो सकती। अरे विनायक तो मर गया है, लेकिन उसका भाई मैनाक वो तो अभी जिंदा है ना। मैंने मैनाक को कह दिया है और सोच रहा हूँ कि अगले महीने ये शुभ कार्य कर ही डालूं। बहुत अच्छी बात है भैया, कुमार का घर एक बार बस जाए तो मैं चैन की सांस लूंगी। पर कुमार लौट कब रहा है? यही तो तीन नंबर खबर है। तुम्हारा दुलारा भतीजा, मेरा एकलौता बेटा कुमार, अगले संडे को आ रहा है। आ रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। आज ही खत मिला है। अच्छा। अजी, सब सुन रही हो ना? मन ही मन हंस रही हो? हाँ, देखो मेरी जो जो जिम्मेदारी थी मैंने बखूबी निभा दी। सिर्फ कुमार की शादी बाकी है। ये मत सोचना तुम्हारे ना रहने से ये काम पूरा नहीं होगा। देखना, ये शादी भी बहुत अच्छी तरह से निपट जाएगी। जी भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो गुजर चुकी है। भाभी के ऊपर बहुत प्यार देख रहा हूँ। जब 3 महीने की बच्ची को मेरे गोद में रखकर हंसते हंसते चली गई, तब याद नहीं आया? सोचा था कि मुझे सजा देंगे। मैं विक्रम नारायण राय, एक बार पूछो तो इससे, मुझे सजा दे पाई है कि नहीं? क्या हुआ, तुम मुझे सजा दे सकी? तुम मुझे सजा, बोलो ना, क्या तुम मुझे सजा दे सकी? नहीं, तुम मुझे सजा नहीं दे सकी तुम मुझे सजा। Yeah.
कौन 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 है? ओ, आप बोलिए। साले ड्यूटी के वक्त सो रहा है? नहीं नहीं, चलो चक्कर मार के आते हैं, चक्कर मारने से नींद भाग जाएगी। चलो चक्कर मारते हैं, ड्यूटी के वक्त कभी सोना नहीं। चलिए। साला कहाँ भेज दिया बोलो तो हम लोगों को? सही बात, सब आराम से आप अपने घर में सो रहा है और हम लोग जानवर की तरह जंगल में भटक रहे हैं। पुलिस में आने के बाद जीवन साला पूरा बर्बाद हो गया। सही बात। हाँ भैया, क्या रे? देखो तो क्या क्या रे? वो जंगल में लाइट क्यों? लाइट क्यों? अरे गधे, वो तो राजमहल की बत्ती है। अरे वो राजा साहब के घर में जल रही है। तो फिर फिलहाल इसी को पॉलिश करने के लिए भेजते हैं, बाकी सब तिजोरी में ही रहने दो, शादी के दिन निकालेंगे। हाँ, पर इस बार मैं एक नई बाजूबंद बनवाने दूंगी भैया, मेरी बहुत दिन की ख्वाहिश है। ठीक है, दे देना। देखो बहुत रात हो गई है, ये सारे जेवरात अभी उठा के रख दो। रोज 9:30 बजे सो जाते हो, अब 11:30 बज चुके हैं, सो जाओ। असल में बात क्या है मालूम? कुमार इतनी दिन बाद घर लौट रहा है, उसके बाद उसकी शादी, मुझे तो खुशी से नींद ही नहीं आएगी। आएगी आएगी, अब सारी लाइट बुझा कर सो जाओ, मैं चलती हूँ। हाँ, दरवाजे बंद करके सोना, जो चल रहा है। क्या चल रहा है? ओहो, भूत। मत बोलो मत बोलो, चुप रहो, रात में ये सब बातें मत करो। भूत। कौन कौन है वहां? Thank you.
हेलो मिस्टर राय। हाँ धन्यवाद। यू हैव डन अ मिरेकल। खुद नहीं देखता तो यकीन नहीं करता, इसीलिए आप खुद जाकर होटल में देखा है। आपको कैसे मालूम? अरे जनाब, मेरे आदमी हर वक्त उस लड़की के पीछे है। तो फिर कैसी लगी? वंडरफुल, लेकिन और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। जो भी हो, वो लड़की मुझे चाहिए। माँ बहुत तकलीफ हो रही है। अरे दीदी, थोड़ा तेजी से हवा कीजिए। छोटी छोटी, क्यों छोटी, अचानक तेरी माँ को क्या हुआ? आज फिर चक्कर खाकर गिर गई। ये क्या क्या मुसीबत है? तो तेरी दीदी दीदी कहाँ है? दीदी डॉक्टर साहब को बुलाने गई है। ओह, देखो क्या हाल है। अरे आइए आइए मोहन बाबू, आप ही की बात हो रही थी, देखिए तो क्या हुआ है। क्या समझे, परेशानी की कोई बात तो नहीं? डॉक्टर अंकल, नहीं डर की बात नहीं है, थोड़ा बाहर आ। तुम्हारी माँ को जो देखने से लगा। क्या क्या हुआ मेरी माँ को? मुझे उनकी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है। किसी बड़े डॉक्टर को बुलाओ, जरूरत पड़ने पर नर्सिंग होम या अस्पताल ले जाओ। हाँ, इतना घबराने की क्या बात है, चिंता क्यों करती हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलिए डॉक्टर, चलिए चलिए, तुम कुछ मत सोचो। यस रॉय स्पीकिंग। मिस्टर रॉय, अब हमारे हाथ में ज्यादा समय नहीं है, जैसे भी हो वो लड़की मुझे चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, आप निश्चिंत रहिए। लड़की की माँ की हालत बहुत खराब है, हार्ट की प्रॉब्लम। समझे,
पर उससे हमारी प्रॉब्लम तो नहीं मिटेगी। मिटेगी सर, मिटेगी, प्रॉब्लम मिट जाएगी। उसे माँ के ऑपरेशन के लिए यहाँ आना ही होगा। उसे 20-25 हजार रुपयों की बहुत जरूरत है। 12 हजार रुपए? इम्पॉसिबल। और बॉस भी राजी नहीं होंगे। अगर 1-2 हजार में काम चले तो ठीक है। 2-1 हजार रुपए में मेरा काम नहीं बनेगा। और वैसे भी परसों माँ का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। सॉरी स्वाति, आप मुझे गलत मत समझिए। तो फिर क्या, पैसे के कारण मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाऊंगी? नमस्ते मैनेजर साहब। अरे स्वाति देवी, आप? ये हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, मिस्टर अग्रवाल। अग्रवाल जी, स्वाति जी को कुछ पैसे की जरूरत है। परसों इनकी माँ का ऑपरेशन है। माता जी का ऑपरेशन? अरे अरे, हमको हुकुम कीजिए। नहीं, उनको रुपए की जरूरत है। रुपया? कोई बात नहीं, बोलिए कितना रुपया, हम दे देंगे। 12 हजार। 12 हजार? 12 हजार ठीक है, हम दे देंगे। स्वाति देवी, अगर बुरा ना माने तो यू कैन टेक लोन फ्रॉम मी। नहीं मतलब इतने सारे रुपए? नहीं नहीं, इतनी हिचकिचाने की क्या जरूरत है, वो खुद आपको बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मान लीजिए मेरी बात, चलिए हमारे रूम में कैश ले लीजिए। इतने सारे रुपए, वो भी बिना किसी रसीद के? रसीद? अरे राम राम, अरे मैं बिजनेस मैन हूँ तो क्या मैं सबके साथ बिजनेस करूंगा? अरे माता जी की बात है। चलिए 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 चलिए, आइए 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 आइए। आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, बैठिए 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 बैठिए, आराम से बैठिए। कुछ चाय पानी? नहीं। ठंडा गरम? बहुत पसीना आ रहा है, और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पूरे 15 है। 15 हजार लग ही जाएंगे, ऑपरेशन में बहुत झमेला है। ले लीजिए। आपका ये एहसान? उतारने की कोई जरूरत नहीं है मिस स्वाति, चुकाने से तो सब खत्म हो जाएगा। ये जो एक रिश्ता बन गया ना अभी हमारे बीच, इसको मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ। जिंदगी भर हम याद रखेंगे इसे। जब जब हम आएंगे शहर में, इस होटल में, हम आपको मिस स्वाति, मिस स्वाति। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। यू रास्कल! चलिए, डरने की कोई बात नहीं है। साले मैनेजर ने हमको फंसा दिया। इतनी डरने की कोई बात नहीं है स्वाति जी, दिस इज एन एक्सीडेंट, दिस इज रियलिटी, यही है दुनिया का असली रूप। एक मुसीबत में पड़ गई, विश्वास करके उसके साथ गई, छी, इतनी भी इंसानियत नहीं है। हाँ सच में, यही दुनिया है। आपकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, ऑपरेशन की सख्त जरूरत है, ढेर सारे पैसे चाहिए,
इससे किसी का कोई मतलब नहीं है। आपको इतनी सारी बातें कैसे पता है? जरूरत पड़ने पर सब कुछ जानना पड़ता है। जरूरत मतलब आपको क्या जरूरत है? हाँ है, मेरा भी कुछ मतलब है। याद रखिए स्वाति जी, बिना मतलब के इस दुनिया में कोई आपकी भी मदद नहीं करेगा। तो फिर आपका भी कोई मतलब है? यस राइट, इसलिए तो मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको जरूरत है 12,000, क्योंकि 2 दिन बाद आपको अपनी माँ का ऑपरेशन करना है, और मुझे जरूरत है एक स्पेशल इंसान एक स्पेशल काम के लिए, जो आपके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, और उसके लिए आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। 50,000 रुपए? यस, काम के पहले 50% एडवांस, काम के बाद पूरा प्लस बोनस। क्या करना पड़ेगा मुझे? एक्टिंग, अभिनय नहीं, कोई स्टेज और फिल्मों में नहीं, लाइफ में। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। रियली स्ट्रेंज, ऐसे कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने। ये ड्रेस आपकी नहीं है। लेकिन इस फोटो में तो फोटो भी आपकी नहीं है। यही तो रहस्य है। इसकी शादी तय हो चुकी है किसी स्टेट के कुमार बहादुर के साथ। वैसे भी लड़के लड़की ने एक दूसरे को अभी तक देखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फोटो के सिवा। आपको यही लड़की बनकर उसकी भूमिका निभानी है, मतलब आपको ये लड़की बनके कुमार के साथ प्यार का नाटक करके राजमहल के खजाने की चाबी अपने कब्जे में करनी होगी। इसके बाद का काम हम संभाल लेंगे। तो बोलिए, कैसा लगा हमारा प्लान? मैं धोखेबाज नहीं हूँ और क्रिमिनल भी नहीं। तो फिर आपकी माँ का ऑपरेशन? 50,000 रुपए कुछ कम नहीं है स्वाति जी? उस पाप के पैसे से? छी! रुकिए स्वाति जी, इतना गुरूर आपको शोभा नहीं देता। थोड़ी देर पहले आपकी माँ के ऑपरेशन के पैसों के लिए आपको जिस तरह से कीमत चुकानी पड़ रही थी, क्या वो आपके लिए ठीक था? मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, अगर आपको सही लगे तो आप मेरे साथ कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। यस रॉय स्पीकिंग। स्वाति जी गुस्सा होके फोटो फेंक के चली गई है। क्या, गुस्से में फोटो फेंक के चली गई? यस सर। उसे हमारा पता दे दिया है? यस सर। ठीक है, ओके सर। गरीब का गुस्सा। प्लीज मिस रॉय, आप तो समझ सकती है, इस एस्टेब्लिशमेंट को चलाना पड़ता है, और आपकी मम्मी की तबीयत भी तो बहुत खराब है। कल सुबह तक रुपए जमा कर दीजिए, क्योंकि ऑपरेशन करना ही होगा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? परसों ऑपरेशन करना पड़ेगा। पैसे मिले? नहीं। तो फिर अब क्या होगा दीदी? देखती हूँ। दीदी, मुझे ये पहनना अच्छा नहीं लग रहा, तुम इसे बेच दो ना। तू फिक्र मत कर, मैं जैसे भी करके पैसों का इंतजाम करूंगी। आह
कौन? बे टाइम में कौन आ गया भाई? कौन है तुम? आओ आओ अंदर आओ। तुम माँ कैसी है? क्या हुआ आज? फिर क्या हुआ? एक जरूरी काम था, बहुत मुसीबत में पड़ के आपके पास आई हूँ। तो क्या हुआ? इबरज की ताल्लुकात है। अरे बाड़ी वाला होने के बावजूद तुम्हें किराएदार नहीं समझता हूँ। बहुत मेहनत कर रही हो, अपने आप को भी जरा देखो। ठहरो ठहरो थोड़ा सा। ये क्या, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? अरे तुमने ही कहा जरूरी बात है। दरवाजा खुला रहने से जरूरी बात होती है? बेवकूफ कहीं की। हाँ बोलो। कल माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, 12,000 रुपए की जरूरत है। बहुत जगहों में मैंने कोशिश की। किसी ने नहीं दिया ना। रुको रुको रुको। ये क्या, आप खिड़की क्यों बंद कर रहे हैं? ये देखो। अरे तुम नहीं जानती हो, दीवारों के भी कान होते हैं। ये तो एक खुली खिड़की है। तुम जवान लड़की, मैं अकेला मकान मालिक, आधी रात को 12,000 रुपया लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? बेवकूफ लड़की। चाचा जी, पैसे अगर नहीं मिले तो मेरी माँ नहीं बचेगी। मैं जैसे भी करके ये पैसे लौटा दूंगी। सुनो अरे सुनो, पोछो आंसू, अरे आंखों के आंसू पोछो, पैसा मैं दूंगा। ये देखो। आप देंगे? हाँ दूंगा। इसी को कहते हैं इत्तिफाक। आज ये बैंक से उठाए हैं 12,000 रुपए दुकान का सामान खरीदने के लिए। खैर छोड़ो वो सब बात, ये तुम ही ले जाओ। अच्छे काम में लगेगा। हेलो हेलो, लो पकड़ो पकड़ो। जैसे भी हो ये पैसे मैं लौटा दूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? नगद पैसे लेकर जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अग्रिम सूद तो देते जाओ स्वाति। मैं पक्का बनिया हूँ, सूद तो देती जाओ। चाचा जी। चाचा जी। वो तो दिन में, लेकिन बंद कमरे में रात के समय अग्रिम सूद देती जाओ मेरी रानी। मैं चिल्लाऊंगी। अरे चिल्लाने में तुम्हारा ही नुकसान है। यहाँ पर सब लोग मुझे बहुत ही शरीफ आदमी समझते हैं, और तुम्हें शहर के बार की कैमरे डांसर। आओ एक बार। तीन तीन महीने का किराया बाकी, वो तो दे नहीं सकती, और सती सावित्री बनती। क्या सोच रही हो स्वाति? अपनी इज्जत तो तुमने बचा ली, लेकिन तुम्हारी माँ, अगर कल उनका ऑपरेशन नहीं हुआ ना, तो बिना ऑपरेशन के तो वो मर जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, माँ को मुझे बचाना है, जैसे भी हो।
जैसे भी हो। कैसे बचाएंगी स्वाति जी? पैसे कहाँ हैं? कौन सा मददगार आकर आपकी मदद करने को तैयार होगा? कौन है वो? मैं दूंगा, चली आओ मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। फिर आपकी माँ का ऑपरेशन, उसका क्या होगा? बोलिए, पैसे कहाँ से आएगा? बोलिए मुझे, बोलिए, जवाब दीजिए। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। तुम नहीं जानती कहकर हकीकत से भागना चाहती हो स्वाति? ठीक है, तुम अपनी इज्जत और अच्छाई लेकर जिंदा रहो। और तुम्हारी माँ, जिसने तुम लोगों के लिए सारी जिंदगी पल पल करके सारे दुख सहते हुए बिता दी, वही माँ दर्द में तड़पते तड़पते अपना दम तोड़ दे, मर जाए, मर जाए। उसे मर जाने दो, उसे मर जाने दो, उसे मर जाने दो। तो फिर आपकी माँ को मर जाने दीजिए, माँ को मर जाने दीजिए, माँ को मर जाने दीजिए। नहीं, माँ जिंदा रहेगी, माँ जिंदा रहेगी। जरूर बचेगी। बचने का अधिकार सिर्फ अमीरों को नहीं, बचने का अधिकार सबको समान है। पैसों के लिए आपकी माँ का ऑपरेशन नहीं रुकेगा। लीजिए एडवांस 25,000। जिस दिन मेरे आदमी ने मुझे बताया कि आपने गुस्से में हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, उसी दिन मैंने ये पैसा यहाँ रख दिया था। जानता था ऐसे में आपको कहीं से रुपए नहीं मिलेंगे। कब जाना पड़ेगा? वो आपको बता देंगे। अभी आप अपने माँ के इलाज पे ध्यान दीजिए। बहुत शुक्रिया, चलती हूँ। रुकिए, रुपए तो आपने गिने नहीं? यदि कम हुए तो? नहीं, कम नहीं है। कम रहने से सिर्फ नुकसान मेरा नहीं, आपका भी है। वेल डन। अब गौर से सुनो, कमिंग 24th शुक्रवार उसे प्रतापगढ़ पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि असली चाचा भतीजी का उसी दिन प्रतापगढ़ पहुंचने का प्रोग्राम है। हाँ सर, तब तो सर वो नकली चाचा यानी विप्लव पांडे से अभी बात कर लेनी पड़ेगी। हाँ सर, ओके सर, ओके सर। डबल घोड़ा, हाँ क्या कहते हैं, डबल विस्की। क्या विप्लव बाबू, आज भी हार गए? हाँ पूरा बेकार। कौन से घोड़े पर लगाए थे? गुड होप। होपलेस। उस घोड़े पे कोई लगाता है? अरे श्योर, वो घोड़ा था। मतलब उसके शरीर पे काली रेखा नहीं दिखी? अरे छोड़िए भी, घोड़ा क्या बाघ है कि उसके शरीर पे काली काली लकीरें रहेंगी? हाँ, मैंने साफ देखा, वो एक हिंसक बाघ था और सारे घोड़े डर से, मतलब कि उसके भय से आगे आगे भाग रहे थे, और ये नास पीटा सबको पीछे से खदेड़ रहा था। और वो जब तक पहुंचा तब तक सारे घोड़े, मतलब बहुत पहले ही विनिंग पोस्ट पार कर चुके थे। हंसिए मत, यही मेरी किस्मत है। जिस घोड़ा पे दाव लगाता हूँ, हिंसक बाघ की तरह सबके पीछे 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 दौड़ता है। कल हमारे ऑफिस में आइएगा। अगले शुक्रवार से आप लोगों को स्टार्ट करना है, राइट? शनिवार की रेस खेल पाता तो अच्छा रहता। होता तो मैं नहीं करता। कल आप जरूर आइएगा, ओके? चलो। शुक्रवार को ही जाना पड़ेगा? हाँ माँ। और थोड़े दिन बाहर जाने से नहीं होता क्या? आप फिक्र मत करो माँ, छोटी को मैंने सब कुछ समझा दिया है और पैसों का इंतजाम भी करके जा रही हूँ। मेरे लिए ही तो दुनिया भर की परेशानी, सब कुछ ठीक था। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ अच्छे बच्चे की तरह रहना और ये सारी दवाइयाँ टाइम से लेना। मैं क्या नन्नी मुन्नी बच्ची हूँ? नहीं, तुम तो बूढ़ी अम्मा हो। फिर कितने दिन बाद आएगी रे? पहले जाने तो दो। बहुत दूर है ना? हाँ बहुत दूर। 500, हाँ
500 माइल दूर जंगल से घिरी एक छोटी सी जगह प्रतापगढ़, उस विशाल संपत्ति के एकमात्र मालिक कुमार बहादुर, और जिस लड़की के भूमिका में आपको भेजा जा रहा है उसका नाम माधवी है, माधवी सिंह चौधरी। आप बचपन से ही भोपाल में हैं। माधवी के पिता विनायक जी और कुमार के पिता राजा बहादुर एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आज कुमार के पिता भी जिंदा नहीं है और माधवी के पिता भी जिंदा नहीं है। माधवी के वर्तमान गार्जियन उसके चाचा, मतलब क्या हुआ स्वाति जी, आप क्या नर्वस हैं? कहा नहीं तो जीवन की पहली बेईमानी है तो ऐसा होता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो मैं कह रहा था माधवी के वर्तमान गार्जियन उसके चाचा यानी आप, बॉटनी के विख्यात अध्यापक डॉक्टर मैनाक सिंह चौधरी। हाँ हाँ, कल मैं गया था बोटेनिकल गार्डन, वहां के पेड़ों के कठिन बोटेनिकल नाम नोट कर करके याद कर रहा था। बहुत कठिन है लेकिन फोटो फिनिश में मैनेज कर लूंगा। फोटो फिनिश, ऐसी बात ही तो रेस के मैदान में करते हैं बिप्लव बाबू। नहीं नहीं बिप्लव जी नहीं, बिप्लव जी नहीं, ध्यान रखिए ये है आपके चाचा मैनाक सिंह चौधरी। छोटी सी भी गलती आप लोगों के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। मतलब आज से बिप्लव खत्म हुआ और मैनाक ने जन्म लिया है। अब मैं आप लोगों को कुमार से मिलवाता हूं। बाप रे, ये तो रियल एस्टेट का घोड़ा है, रेस में बहुत मजा आएगा। बुआ जी, अरे ओ बुआ जी। क्या बुआ जी, क्या हुआ? अरे जबरदस्त भूख लगी है, जल्दी खाना दीजिए। जबरदस्त भूख लगी है, अभी इंतजाम करती हूँ। नैना नैना, कुमार को भूख लगी है, बाबूजी को जाके बोलो उसके लिए खाना लगाने के लिए। ठीक है माँ जी। बोल तो तुझे बहुत भूख लगी है या जबरदस्त भूख लगी है? मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है। पता है तेरे पिताजी भी बिल्कुल इसी तरह से कहा करते थे, सरला जबरदस्त भूख लगी है। सिर्फ 16 साल की थी जब विधवा बनकर इस घर में आई थी, उसी दिन से भैया के आखिरी दिन तक वो सब बात छोड़िए बुआ जी। यादें ही तो जिंदगी है बेटा। ये राम, मैं तो भूल ही गई थी, भोपाल से खत आया है, मैनाक बाबू माधवी के लेकर शुक्रवार आ रहा है। शुक्रवार? हाँ, मतलब सिर्फ 4 दिन बाकी है। हाल देखो, अब रहा नहीं जा रहा है। अरे शर्मा क्यों रहा है, सुन तो। शाम ये चुराए,
से निकलता जाए रे, दिल ये हाथ नहीं आए रे, सीने से निकलता जाए रे, दिल ये हाथ नहीं आए रे, सीने से निकलता जाए रे, दिल ये हाथ नहीं आए रे, आज मुझको ये क्या हो गया है, दिल खोने लगा, आज मेरे दिल को शाम ये चुराए, आज मेरे दिल को शाम ये चुराए। ऐसे ही मन मेरा मुझको कब से यूं ही सताए रे, ऐसे ही मन मेरा मुझको कब से यूं ही सताए रे, ऐसे ही मन मेरा मुझको कब से यूं ही सताए रे, ये उसकी प्यारी नाजुक अदा दे रही है सजा, आज मेरे दिल को शाम ये चुराए, आज मेरे दिल को शाम ये चुराए, दीवाना दिल ये हुआ है, ये दिल मेरा उड़ने लगा है, आज मेरे दिल को शाम ये चुराए। अब ओजी कुमार। हाँ। अरे क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी कर, ट्रेन का टाइम हो गया है। मैं रेडी हूँ बुआ जी, मुंशी जी कहाँ हैं? और ड्राइवर को बोलिए गाड़ी निकालने के लिए। मैं हाजिर हूँ छोटे साहब, लेकिन हम में से किसी को भी अब स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अभी टेलीग्राम आया है कि वे इस ट्रेन से नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं? नहीं छोटे साहब, वो लोग सुबह की गाड़ी से ना आके शाम की ट्रेन से आ रहे हैं। मतलब? जी बुआ जी, ये देखिए टेलीग्राम। पर उन्होंने तो लिखा था। ठीक है, आप लोग अभी जाइए, मैं शाम को 3 बजे निकलूंगा। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। आप ही है अध्यापक मैनाक सिंह चौधरी? जी हाँ। और जरूर वो हमारी होने वाली रानी साहिबा। हाँ, आप लोग? हम लोग ये प्रतापगढ़ के राजमहल से आ रहे हैं। मैं हूँ स्टेट का मुंशी। ओ, मतलब विश्वंभर। हाँ। अच्छा अच्छा। और ये है मेरा नया ड्राइवर। हाँ, हाँ। बीमारी के वजह से कुमार साहब नहीं आ पाए। हाँ? कुमार साहब को क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बुखार है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। ओ, सो तो है, शरीर खराब, आराम तो लेना ही पड़ेगा। आइए आइए, आओ आओ। बैठिए बैठिए। मैं आ रहा हूं बुआ जी।
चलिए आ गए हैं। क्या कह रहे हैं, ये राजमहल है? यही तो राजमहल है, आप लोग तो यहाँ के मेहमान है, उतरिए। आइए, राजमहल के सिपाही सब आ गए हैं, उतरिए। आ, देर मत कीजिए, आइए। आइए इधर आओ। आओ, किस तरफ जाना है? उस तरफ चलिए, भूलिएगा नहीं मैं माधवी। हाँ याद है। ये क्या, राजमहल से कोई हमें लेने नहीं आया? वही तो। वेलकम टू प्रतापगढ़ मिस्टर सिंह चौधरी। सिंह चौधरी चाचा जी? ओ हाँ, सिंह चौधरी। हाँ मैं हूँ सिंह चौधरी, मिस्टर मोनाक सिंह चौधरी फ्रॉम मणिपाल, भोपाल। और आप? मैं इस स्टेट का मुंशी हूँ, विश्वंभर दत्त। विश्वंभर दत्त, ये है विश्वंभर दत्त, यहाँ के मुंशी, मैं इन्हें पहचानता हूँ। कुमार नहीं दिख रहा? नमस्ते। छोटे साहब चलिए। हाँ आइए आइए, चलिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आए! क्या हुआ, बिना सिंगल के रुका क्यों तू? इतना जोर से झटका लगा, ये कमर में बहुत दर्द हो रहा है। भैया गाड़ी की आवाज सुनी, उसमें तेरा क्या जाता रे? गाड़ी गाड़ी की तरह जा रही है, हम लोग हमारे ड्यूटी में हैं। साहब मामले में टांग अड़ाने का आदत है तेरा। नहीं भैया, राजमहल के सामने वो लाइट बंद हो गई। शट अप, नो माउथ टू माउथ आर्गुमेंट। ज्यादा बड़बड़ करेगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। इधर भूत पकड़ने के लिए रात भर चक्कर काट रहे हैं, उसके ऊपर मिल गया तेरे जैसे गांव का भूत। लाइफ पूरा हेलमेट हो गया साला। चल डिप्टी करते हैं। ठीक है। आइए आइए आइए, अंदर आइए। बाप रे, झालर जी? नहीं नहीं, झालर सुंदर है। हाँ, हमारे खानदान के किसी आदमी ने इसे बेल्जियम से लाया था। यही है अपसेट बाजी मत वाली किस्मत। नहीं बोल रहा था, मन बड़ा अपसेट लग रहा है, भैया नहीं देख पाए। ऐसा आलीशान घर मिला स्वाति को, मतलब जीवन साथी, घर वर, भैया इसे नहीं देख पाए। नमस्ते। मेरी बुआ जी। बुआ जी, जीती रहो बेटी, सौभाग्यवती भव। बैठ बैठ बैठे बैठे। ये तो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है। लक्ष्मी के लिए ही तो आए हैं, मतलब भैया अगर रिश्ता पक्का नहीं करते तो क्यों आते?
क्या कहती हो बुआ जी? मैं तो ये बच्चों की बुआ हूँ। चाचा जी को ये सब रिश्ते विश्ते कुछ समझ नहीं आते। सारा दिन किताब ही पढ़ते रहते हैं। हाँ, किताब मतलब किताब निकलते ही मुझे चाहिए, चाहे वो कलकत्ता की हो, मद्रास की हो, कहीं की भी हो। मतलब जितने भी बॉटनी के किताब होते हैं वो सारे चाचा जी को चाहिए। हाँ, बॉटनी, बॉटनी, वही तो मैं कह रहा था। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है कहीं सिस्टर में टनम की कली खिल रही है। नहीं नहीं, बगीचे में अश्वगंधा फूल उगा है, उसी की खुशबू आ रही है। हाँ, एक ही बात है, उसी को हम बॉटनी में सिस्टम एक्टनम कहते हैं। अजीब, बहुत अजीब किस्म की नाम, लैटिन। माँ जी, उनका सारा सामान उनके कमरे में पहुँचा दिया। नरेन को जाके बोलो इन लोगों के नहाने के लिए बाथरूम में गर्म पानी रख दे। ठीक है। मुंशी जी, इन लोगों को कमरा दिखा दीजिए, ये लोग आराम करेंगे। अच्छा है माँ जी। बेटी, ये तुम्हारा अपना घर है, किसी भी बात में बिल्कुल भी शर्म मत करना। सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक से नहीं रखी है, तुम अपने हिसाब से उन्हें संभाल लेना। आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये जब आ चुकी है यहाँ तो अपना सब कुछ संभाल लेगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कैसी फिक्र? क्या सोचा, मेरी आंखों में धूल झोंकना इतना आसान है? धत धत धत, धूल झोंक रहा है? कौन धूल झोंक रहा है? मैंने आप लोगों को पकड़ लिया है, मैं साफ साफ समझ गया हूँ। क्या समझ गए आप? मैं समझ गया हूँ कि आप लोगों को भूख लगी है। सही समझे। फिर नहा के रेडी हो जाइए फॉर ए रॉयल बैंक्वेट, मतलब राजभोग। चल 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 चल, बता क्या करता है। माफी माफी, दर्द हो रहा है चाचा जी, मुझसे क्या गलती हुई है? ऐसी बात मत करो ऐसी बात, चुप कर। तुमने कोई गलती नहीं की है, गलती की है मैंने। नहीं तो क्या अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों पर अत्याचार देखता? माधवी, मुझसे तो उस दिन गलती हुई थी जिस दिन एक स्वार्थी की तरह तुम्हारा सारा सुख छीन लिया था, जिस दिन रंजीत को वापस भेज दिया था। क्या हुआ, चलो। नहीं, तुम अभी सीधे घर जाओगे। नहीं नहीं नहीं, कहा ना नहीं। ठीक है, अभी से हड़ताल जारी है, बस। मेरी बात सुनो ना प्लीज, तुम आज घर जाओ, बहुत रात हो चुकी है, कल तो हम लोग फिर मिलेंगे। अरे मुझे पता है, ये मिलन आखिरी मिलन नहीं है। क्या हो रहा है ये सब, छोड़ो भी, चाचा जी आएंगे ना तो रोमियो गिरे निकल जाएगी। तुमने तो कहा था कि अंकल कॉन्फ्रेंस में गए हैं, लौटने में देर होगी। अच्छा तो ये चाचा जी, हाँ कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई पर तुम लोगों का ये ड्रामा मैंने देख लिया है। छी माधवी। अंकल सुनिए, मैं माधवी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। झोपड़ी में रहकर राजमहल का सपना देख रहे हो ना, गेट आउट। चाचा जी, अगर माधवी के साथ दोबारा मिलने की कोशिश की तो समझ लेना इसका फल क्या होगा। मेरा गुनाह? तुम्हारा गुनाह, वंश मर्यादा, खानदान, किसी भी तरह से तुम उसके योग्य नहीं हो। और सुन लो भैया, यानी कि माधवी के पिता बहुत पहले माधवी की शादी तय कर चुके हैं। और ये भी जान लो, जिसके साथ माधवी की शादी तय हुई है उसके सामने तुम्हारी औकात नौकर की भी नहीं है। चाचा जी, चुप रहो, एंड नाउ गेट लॉस्ट। रुक जाओ रंजित, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। माधवी। नहीं माधवी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाना चाहता। अब वैसे भी तुम्हारा रिश्ता किसी से तय था, ये भी तुमने मुझे कभी नहीं बताया। चलता हूं। रंजित, आ,
माधवी, हो सके तो उस दिन का मेरा यह अपराध माफ कर देना बेटी। अब पेट में रत्ती भर भी जगह नहीं बची। ठीक तरह से तो खाया ही नहीं है अपने। बेटी खाके ही तो बेहाल हो गया। अब यहाँ अगर एक क्रेन होती तो अच्छा होता। क्यों? क्रेन क्यों? मुझे उठा कर ले जाता, अब तो हिलना भी मुश्किल है। खाना पसंद आया ना आपको? मुझे तो बहुत झड़ लग रहा था कि आपको पसंद आएगा कि नहीं। बहुत दिन विलायत में थे। विलायत? विलायत में क्यों? आप ना खाली मजाक करते रहते हैं। बॉटनिक पढ़ने के लिए विलायत नहीं गए थे? ओहो, बॉटनी भूल ही गया था, विलायत गया था। हाँ मतलब विलायत तो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ की बात ही अलग है। यहाँ का काम खत्म हो जाए तो मैं फिर से विलायत भाग जाऊंगा। भाग क्यों जाएंगे? प्रतापगढ़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, ये भी अच्छी जगह है। मतलब देखिए चाचा जी, बाहर कितना खूबसूरत नजारा है। हाँ। चांद की रोशनी में जरा टहल कर आते हैं। चलो। नहीं नहीं नहीं, ये काम तुम्हारी किस्मत करना, कभी नहीं करना। क्यों बुआ जी, इतनी खूबसूरत जगह है। नहीं बेटी, रात के अंधेरे में नहीं, उस खूबसूरती के पीछे कुछ भयानक छुपा हुआ है। तुम्हारे ससुर ना जाने और कितने बेगुनाह आदमी मारे जा रहे हैं। क्या कोई हिंसक जानवर है वहाँ? नहीं अंकल जी, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला उस रहस्य का, लेकिन लोग बोलते हैं कि कोई प्रेत आत्मा है। ओहो, वो कोई बात नहीं। प्रेत आत्मा? प्रेत? प्रेत आत्मा मतलब? मतलब भूत? मतलब भूत? हाँ, बहुत लोगों का मानना है पर मैं विश्वास नहीं करता। रहने दे, इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। नहीं मतलब भूत के साथ बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए तुम्हें। स्वाति चल मेरे साथ, मतलब साथ में चल मेरे। आप डर नहीं, नहीं क्या? मुझे डर नहीं लगता। हाँ वो मैं कह रहा था कि मुझे नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। अंकल जी भूत से डर गए। अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ थोड़ी बातें करने का मौका मिल गया। अच्छा माधवी, स्टेशन में तुमने मुझे देखकर पहचान लिया था? हाँ, हाँ। मुझे लगा कि तुमने नहीं पहचाना। क्यों? तुम्हारी आंखों को देख के लगा। आंखों को क्या आप पढ़ सकते हैं? सबकी तो नहीं पर तुम्हारी जरूर। मैंने तो तुम्हें दूर से देखकर ही पहचान लिया था। वही आंखें, वही चेहरा, मेरे सपनों की राजकुमारी। आप मुझे सपनों में देखा करते थे? रोज। उस दिन से, जिस दिन अंकल ने तुम्हारी फोटो भेजी थी। मैं जाती हूँ, चाचा जी अकेले हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे। और क्या सोचेंगे, लेकिन तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे बारे में सोचकर आज मुझे नींद नहीं आएगी। अरे मैं सिगरेट का पैकेट छोड़ आया हूं, तुम थोड़ा रुको, मैं अभी आ रहा हूं। हाँ कन्हैया लाल, ड्राइवर। ये रुमाल शायद आपका है, गाड़ी में गिर गया था, लीजिए। क्या बात है? तुम जी? माधवी का? मैं बीबी जी का गाड़ी में रुमाल गिर गया था।
वही देने आया था मैं, वो चली गई रुमाल लेकर। चली गई? ठीक है। सच में बहुत खूबसूरत, अगर यहाँ नहीं आती तो बहुत कुछ मिस कर जाती। इसका मतलब नहीं आने का चांस था क्या? नहीं मतलब, वैसे तुम नहीं आती तो मुझे ही जाना पड़ता भोपाल तुम्हें लाने के लिए। वैसे बुआ जी तो कब से तुम्हारी राह देख रही है? सिर्फ बुआ जी? सुबह सुबह झूठ बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा, मैं भी तुम्हारे इंतजार में था। जंगल में घंटियों की आवाज, यहाँ पर कोई मंदिर है क्या? हाँ, रुद्र प्रताप जी का मंदिर। ओह, अब चलो तुम्हें दिखाते हैं। लेकिन चाचा जी? चाचा जी यहीं कहीं नए पेड़ की तलाश में घूम रहे होंगे। ये क्या, ये क्या सचमुच उसे प्यार करने लगी? मरने दो इसे। भैया, ओ भैया, सुबह हो गई। भैया, ओ भैया, एक अनजान आदमी, ऐसा लग रहा है कि भूत। कौन? 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 ये क्या, ये क्या? अरे भाई, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। अरे इधर तो पहले कभी नहीं देखा। अरे हम कल सुबह ही तो आए हैं, उस राजमहल में ठहरे हैं। मेरी भतीजी के साथ कुमार बहादुर की शादी है, इसीलिए आए हैं। अरे चाचा जी, तब तो बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक है माफ कर दीजिए। अरे सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो। ठीक है ठीक। सर सर, सब इस गधे की वजह से। अच्छा, अगर मैं सर के ऊपर गिरता तो कितना बड़ा भिटाल इंजुरीज हो जाता। तब इतने खूबसूरत दिखते की तरह दिखते हैं ये, उसको कहते हैं पूरा गवार है सर। ठीक है ठीक है। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ड्यूटी सर, होल नाइट। ओ, डकैत है क्या यहाँ? तो फिर भूत सर। भूत है? भूत? भूत है सर, खूनी, क्रिमिनल, मर्डरर, डेंजरस। मुझे मुझे जरा राजमहल पहुंचा दो। अच्छा, आइए सर। चलिए, इस एक्सीडेंट की बात बड़े साहब को मत बोलना। हाँ सर, हम लोग का नौकरी चला जाएगा। भगवान, मेरे गुनाहों की सजा सिर्फ मुझे देना, मेरी माँ और बहन को सही सलामत रखना। भगवान से क्या मांगा माधवी? और क्या,
मेरे घर वाले सब सही सलामत रहे। तुम्हारे घर वाले? अंकल जी के अलावा और तो कोई नहीं है? बुआ जी, तुम नहीं, मतलब आप, क्या आप सब मेरे घर वाले नहीं है? बस बस, तुम ही काफी है। जानती हो माधवी, मेरे मन में एक डर था। कैसा डर? पिताजी ने बचपन में हमारी शादी पक्की की थी, उसके बाद बहुत साल बीत गए, हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा। डर इस बात का था कि मेरी जगह कोई और न ले ले। छोटी सी गलती भी आप लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। अब यकीन हुआ ना? हाँ, भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। ये मेरी माँ की है, उनकी बहू के लिए। जानते हो माधवी, और कुछ दिन के बाद ही इस मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर हमारी शादी होगी। उसके पहले रुद्र प्रताप जी के सामने मैं अपनी माधवी को अपना रहा हूं। नहीं नहीं, माधवी, माधवी, माधवी! हो पास मेरे रहो, नैनों में तुम आकर बसो, आकर बसो। ऐसे दिल में जा, जा, जा। आज मौसम भी दिल को दुभा। पास मेरे तुम ही रहो, नैनों में तुम आकर बसो, आकर बसो।
जब भी बागों में आए बहार, फूलों पे छाए तब प्यार का खुमार। जब भी बागों में आए बहार, फूलों पे छाए तब प्यार का खुमार। सांसों में तेरी खुशबू छाए, सांसों में तेरी खुशबू छाए। पास मेरे तुम ही रहो, नैनों में तुम आकर बसो, आकर बसो। दिल से ये दिल मिल जाए, जाए, जाए। ये मौसम भी आज दिल को लुभाए। मेरी माँ की है, उनकी बहू के लिए, जानते हो माधवी? और कुछ दिन के बाद ही इस मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर हमारी शादी होगी। ये तुम क्या कर रही हो स्वाति? पैसों के लालच में सब भूलकर माधवी का सर्वनाश कर रही हो? नहीं, कुमार मुझसे प्यार करता है, कुमार तुमसे नहीं माधवी से प्यार करता है। उसने अंगूठी माधवी समझकर पहनाई है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। कुमार को जिस दिन पता चलेगा कि पैसों के लालच में उसके साथ तुमने धोखा किया है, उस दिन क्या होगा? मैं माधवी नहीं बनना चाहती थी, उन लोगों ने मुझे बनाया है। कौन यकीन करेगा? कुमार, अपने स्वार्थ के लिए एक लड़की का इतने दिनों का प्यार तुम छीन रही हो। असली माधवी जब तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी, तब क्या जवाब दोगी तुम उसे? मैं क्या करूं? अभी भी वक्त है, तू भाग जा यहां से, तू भाग जा, तू भाग जा, तू भाग जा। हाँ, मैं भाग जाऊंगी। भाग जाओगी मतलब? एडवांस का रुपया लगभग खत्म हो गया और मतलब का कोई काम नहीं हुआ और कह रही हो भाग जाओगी? ये एक सुरंग है, यहाँ से सिर्फ घुसने का रास्ता हमें मालूम है। वो हर समय हम पर नजर रख रहे हैं, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं। इससे अच्छा ये होगा कि काम पूरा करने की कोशिश करो। अरे स्वाति देवी, अपने काम को भूल मत जाइएगा। भावनाओं में बहकर अगर पकड़ी गई तो कानून आपको भी नहीं छोड़ेगा। वैसे भी कानून के ऊपर हमारा भी एक कानून है, ये तो आपको पता ही है। आपकी माँ और बहन शहर में अकेली है, भूलिएगा मत। नमस्ते। अरे क्या बात है मुंशी जी? माँ जी आपसे मुलाकात करने आ रही है। अरे मुझे बुला लिया होता? ये कैसे हो सकता है? आइए, आप आए। जो मेरे संबंधी ठहरे। बैठिए बैठिए। नैना, जाकर माधवी को बुला के ला। और मुंशी जी, आप बाकी लोगों को निमंत्रण भेज दीजिए। ठीक है, बैठिए। ओ हाँ, और एक बात, शादी का मंडप रुद्र प्रताप के मंदिर में ही सजेगा। वाह बहुत खूब। मतलब मैं कह रहा था कि बोल रहा था कि मतलब महादेव को साक्षी रखकर शादी होगी, बहुत अच्छा रहेगा। मैं कह रहा था कि बहुत अच्छा रहेगा, हाथ में बहुत समय रहेगा, दिल खोलकर मैदान में जाऊंगा, खेलूंगा मैदान में। हाँ, पेड़ पौधों के साथ ही तो आपका खेलना। वैज्ञानिक तो सारे
बच्चों की तरह ही नादान होते हैं। मुझे बुलाया? हाँ बैठो। कल कुमार का जन्मदिन है, सोच रही हो तुम दोनों की शादी की तारीख इस शुभ अवसर पर सबको बता दूं? जरूर। मैं तुम्हारे लिए गहने लेकर आई हूँ, पता नहीं तुम्हें पसंद आएंगे कि नहीं। ये गहना नया बनवाया है, देखो। बहुत खूबसूरत लग रही हो चाचा जी। बिल्कुल ऐसा ही मुझे बनवा दिया था ना जन्मदिन पर। अरे हाँ ऐसा ही था। ये लो बेटी, ये सारे तुम्हारे हैं, जब जी चाहे पहन लेना। और भी है, शादी के समय दूंगी। जैकपॉट। वो क्या होता है? हाँ? मैं कह रहा था कि जैक आ, 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 फ्रूट फ्रूट जैक फ्रूट मतलब कटहल। घर के पिछवाड़े कटहल का पेड़ दिखा तब याद आ गया। संबंधी जी आप तो सारे दिन बॉटनी लेकर ही पढ़े रहते हैं। अच्छा तो अब मैं चलूं, ढेर सारे काम पड़े हैं। जरूर। उफ, क्या देखा मैंने, सब जेन्युइन है। राजसी लोग हैं ना, इमिटेशन नहीं चलता, कहते हैं और है। कल ही ये सब यहाँ से गायब करना होगा। यहाँ पर चोरी करना? छी छी छी, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। गलती? ओह, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। मतलब? कुमार के साथ प्यार का खेल सच्चाई में बदल चुका है। नहीं देखो, मेरा जीवन रेस के मैदान में गुजरता है तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानता। क्या करोगी बताओ, रेस शुरू हो चुकी है, अब तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है विनिंग पोस्ट। कल कुमार का जन्मदिन है, यही तुम्हारे लिए सही मौका है। खुद से मैं लड़ती रही,
कभी तो खुद में ढलती रही, क्या जाने जीत है या हार। ये जीवन है अभिनय, ये जीवन है अभिनय, ये जीवन है अभिनय, ये जीवन है अभिनय। अरे क्या बात है, आइए आइए आइए। इतनी रात को ये सब लौटाने आई हूँ। क्यों? मतलब इतने कीमती गहनों को कमरे में रखने से डर रही है? अरे नहीं नहीं, क्या होगा। नहीं नहीं, यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, तुम्हें राजमहल के खजाने में रख के आता हूँ। खजाना? हाँ, हमारे राजमहल का खजाना जमीन के नीचे है। उस गुप्त कमरे का रहस्य हमारे परिवार के अलावा और कोई नहीं जानता। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। नहीं रहने दीजिए ना। क्यों, आप लोग मेरे अपने नहीं हैं। ठीक कह रहे हैं, राजमहल का खजाना जो ठहरा, चलो देख हाँ। कर आते हैं। बाप रे, जमीन के नीचे ऐसा एक कमरा है, सोच भी नहीं सकते। और ये तिजोरी खोलने का तरीका ही कुछ अलग है। देखिए, ये सब तुम्हारा है, रखो। जो देखा मैंने, उसका चवन्नी भी हाथ लग गया तो पूरा जीवन मजे से कट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, कुमार के भरोसे का फायदा उठाएंगे। भरोसा? इतना सेंटिमेंटल होने से नहीं चलेगा। चलो यहाँ से कुछ लूट कर भाग चलते। ये रुपए कितने दिन रहेंगे? बाप के पैसे, शराब, चुआ और रेस के मैदान में खत्म हो जाएंगे। क्या बोली? बाप की कमाई? तुम्हें क्या लगता है वो गहने मेहनत की कमाई से खरीदे हुए हैं? तुम क्या जानती हो, उन गहनों के लिए न जाने कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा गया होगा, कितनी औरतें विधवा हुई होंगी। जमींदार आकाश से नहीं टपकते, साल दर साल गरीबों का खून चूसकर अमीर बनते हैं। पाप की कमाई, विप्लव पांडे को पाप की कमाई दिखा रही हो? पाप की कमाई? अरे याद नहीं रहेगा मुझे, आप लोगों का इतना बड़ा त्योहार है, मैं जरूर आऊंगा। नई मालकिन को भी जरूर लाइएगा। हाँ छोटे मालिक। अच्छा, मैं माधवी को लेके आऊंगा। तब हम लोग चले आते हैं। प्रणाम।
नमस्ते। प्रणाम। अरे माधवी आओ आओ। क्या हुआ? ये सब गांव वाले हैं, तो कल रात उनके गांव में एक त्योहार है, पूरी रात नाच गाना होगा। हर साल पिताजी जाते थे, इस साल मुझे जाना होगा। वो लोग चाहते हैं कि तुम ही मेरे साथ चलो। लेकिन सुना है कि वो लोग भांग वांग पीते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पीना और होगा। तुम? मैं तो नहीं पीऊंगा, पर वो लोग मुझे जबरदस्ती पिलाएंगे। तेरी सारी लगे प्यारी, सपनों में आके दिल चोरी करे प्यारी, दिल चोरी करे प्यारी, आ चोरी करे प्यारी। आशिक तू है मेरा, मैं हूँ तेरी दीवानी, टूटेगा ना बंधन अब तो छूटे दुनिया सारी, चाहे छूटे दुनिया सारी, चाहे छूटे दुनिया सारी। सावली सलोनी तेरी सारी लगे प्यारी, सपनों में आके दिल चोरी करे प्यारी, दिल चोरी करे प्यारी, ओहो चोरी करे प्यारी। देख के तुझको इन आँखों से दिल में बसाया है, ना जाने कब कैसे ये दिल तुझ पे आया है। देख के तुझको इन आँखों से दिल में बसाया है, ना जाने कब कैसे ये दिल तुझ पे आया है। सुन ले बातें गोरी मेरी, बातें सच्ची सारी, मेरी बातें सच्ची सारी। सावली सलोनी तेरी सारी लगे प्यारी, सपनों में आके दिल चोरी करे प्यारी, दिल चोरी करे प्यारी, ओहो चोरी करे प्यारी। पाप के पैसे शराब जुआ और रेस के मैदान में खत्म हो जाएंगे। पाप के पैसे शराब जुआ और रेस के मैदान में खत्म हो जाएंगे। पाप के पैसे शराब जुआ और रेस के मैदान में ही खत्म हो जाएंगे। पाप की कमाई। खिल गए फूल सारे देखो दिल के इस चमन में, चांद भी चमके चमचम देखो मेरे इस आंगन में। प्यार में जितने चाहे मैंने हारी दुनिया सारी, हाँ हारी दुनिया सारी। सावली सलोनी तेरी सारी लगे प्यारी, सपनों में आके दिल चोरी करे प्यारी, दिल चोरी करे प्यारी, ओहो चोरी करे प्यारी। आशिक तू है मेरा, मैं हूँ तेरी दीवानी,
चोरी कर प्यारी, चाहे झूठे दुनिया सारी, दिल चोरी कर प्यारी, चाहे झूठे दुनिया सारी। कन्हैयालाल क्यों नहीं दिखाई दे रहे? रात बहुत हो गई है, जंगल के रास्ते हैं। रात को आप यहीं ठहर जाइए। हाँ कुमार साहब, यही ठीक रहेगा। मुन्ना ठीक ही कह रहा है, आप लोग यहाँ ठहर ही जाइए। नहीं नहीं, हमें लौटना ही पड़ेगा। मगर कन्हैया कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ कुमार साहब। चलिए, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, चलिए। सारे जेवर चोरी हो गए? हाँ, एक भी नहीं बचा जिसके सहारे कम से कम शादी हो सके। कौन चोरी कर सकता है? वो तो पता नहीं है सर, हम लोग तो जान हाथ में लेके हेट एंड सोल टिराई कर रहा है सर। बोलना। जी 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 जी, जी साहब। भूत सर, हम लोग की तरफ कभी भी नहीं आता। भूत नहीं, मेरा बाप आ रहा है। बाप, बाप? तुम्हारे दादाजी डीएसपी साहब। जंगल में खून, राजमहल में चोरी, अब मैं क्या करूं? क्या बात है? कल रात जब हम लोग घर से बाहर गए थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा था? मैं बताओ तो। मजाक छोड़िए, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ऐसा है क्या? तो जान लो, तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब तो ये कहेंगे ही, गहने चोरी करके अब यहाँ नाटक कर रहे हैं। गहने चोरी हुए हैं मैं जानता हूँ, पर मैंने नहीं किए। और नाटक मैं अकेला नहीं, हम दोनों ही कर रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास कि गहने आपने चोरी नहीं किए? और वैसे भी तिजोरी के बारे में आप ही को पता था, दो दिन पहले ही देखी थी। वो तुमने भी देखी है, तुम भी जानती हो। लेकिन क्या मैंने कहा कि चोरी तुमने की है? कहा क्या? हाँ, उसके बाद मैंने देखा कल रात तुम कुमार के साथ नाच गाना देख कर लौटी तो लॉन में खड़ी होकर ये बाय बाय कर रही थी। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसके बाद जाकर तुम, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आपने मुझे लॉन में देखा वो सही है, लेकिन आपको किसी ने वहां से आते हुए देखा है। मतलब कौन? नैना। नैना? हाँ, मैंने साफ साफ देखा, चाचा जी दरवाजे से निकलकर इधर उधर देखते हुए चले गए। ये सब बात अपने मुंह से मत निकालो। तुमने जैसे चाचा जी को चले जाते हुए देखा, मैंने भी वैसे ही असली चोर को गहने लेकर भागते हुए देखा। असली चोर? हाँ, कल रात को जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था, भगवान, कौन? पहचाना उसे? हाँ, अंधेरे में भी पहचान लिया उसको। कौन? अरे वो चोर है हमारे। ए, तुम लोग क्या यहाँ फुसुर फुसुर कर रहे हो? ओसी साहब आए हैं। नैना, सभी को बुलाकर सेंट्रल हॉल में लेकर आओ। ठीक है, आ तो मेरे साथ चल। ले बाट। चल ले। बस 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 बस।
रघु रघु आज फिर से देर? नहीं नहीं, मैं यहां और नहीं रह सकता, मुझे छुट्टी दीजिए। इस बिन माँ की बच्ची के ऊपर जरा भी दया नहीं आती, सिर्फ जुआ और शराब, जुआ और शराब। सच में चला जाऊंगा मैं। आज फिर ये लड़की रोते रोते सो गई, रात में खाना भी नहीं खाया, बात करता है, सब कुछ मुझे ही झेलना पड़ता है। धीरे धीरे मुन्नी सो रही है। मैं तैयार हूँ। दोनों में से किसी एक को चुनो। आज ब्लैक रोज जीतेगा। ब्लैक रोज एकदम जैकपॉट। बिडिया रानी, बिडिया रानी, चलो स्कूल जाने में तुम्हें देर हो रही है। और हाँ, शाम के वक्त बिडिया रानी को स्कूल से ले आना, मैं राशन लाने जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है। बहुत काम? बहुत काम मतलब यार दोस्तों के साथ तीन पत्ती खेलना, रेस कोर्स में पैसे लगाना, वो अकेली नहीं आ पाएगी। हाँ ठीक है, जा मैं लेता आऊंगा। आओ बिटिया रानी। पापा आज आप मुझे लेने आओगे, वरना आपसे कट्टी और आपसे मैं कभी बात नहीं। नहीं बिटिया, मैं जरूर आऊंगा। अरे 4:30 बज गए, मेरी बच्ची खड़ी हो गई स्कूल के गेट के बाहर। नहीं अरे थोड़ा रुक जाओ ना, चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। गुड़िया पापा, पापा। बेटी बेटी रुक जा, मेरी बच्ची। क्या हुआ, आप अभी तक नहीं सोए? मेरी बच्ची बोलकर किसे बुला रहे थे आप? मेरी चीख से तुम्हारी नींद टूट गई ना, आज तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। 6 महीने की गुड़िया को मेरे हाथ में देकर उसकी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरी गलती से मेरे आंखों के सामने मेरी गुड़िया कार एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर चली गई। उसे भुलाने के लिए ही तो ये जहर पीता हूं, न जाने कब से, लेकिन भूल नहीं पाया। जानती हो, गुड़िया अगर जिंदा होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही होती। वो जिंदा होती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। बचपन में ही अपने पिताजी को मैंने खो दिया, उनका चेहरा तक मुझे याद नहीं। अच्छा, क्या मैं आपकी वो बेटी नहीं बन सकती? हाँ, हाँ, आज से तू मेरी बिटिया होगी। देखा, धोखा देने आए थे लेकिन किस्मत ने हमसे ही धोखा कर दिया, असली नकली के चक्कर में फंस गए। मैं जानता हूं आज सुबह से तुम उस पर नाराज है, लेकिन विश्वास कर, गहने मैंने नहीं चुराए। हालांकि चोरी करने गया था मैं खजाने में, लेकिन खजाने के पास जाकर देखा था वो। अंधेरे में ठीक पहचान नहीं पाया, डर के मारे मैं कमरे में वापस आ गया। नैना ने शायद तभी मुझे देखा होगा। लेकिन इतनी रात में नैना वहाँ पे क्या कर रही थी? कौन है वहाँ? जी, मैं हूँ।
मैं हूँ कन्हैया लाल। क्या चाहिए तुम्हें? इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं इतनी रात को दरवाजा खुला था, बत्ती भी जल रही थी, मतलब बाहर का मौसम तो ठीक नहीं है ना, अभी बारिश होने वाली है। आप दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं चलता हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा हम पे नजर रखता है। उसकी तरफ देखते ही मुझे डर लगता है, कितनी डरावनी आंखें हैं। हेलो, चतुर्वेदी स्पीकिंग। कौन? गुड नाइट सर। गुड मॉर्निंग सर। आ रहे? बहुत अच्छा। बेलगांव चेक पोस्ट क्रॉस करके? आम। ओके सर, ओके सर। गया काम से। गया काम से हो गया? मतलब क्या काम हो गया? अच्छा, मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। डीएसपी साहब आ रहे हैं, मेरे बाप, तुम लोगों के दादाजी। ओहो, इसका मतलब समझते हो? बिल्कुल समझते हैं सर, डीएसपी साहब आ रहे हैं, अब हम लोगों की झाड़ फूक होगी। क्या फूक? झाड़ फूक। झाड़ फूक मतलब? मतलब ये हम लोग इतना सारा खून चोरी, इनका कोई समाधान नहीं कर पाए, मतलब हम लोग के ऊपर भूत सवार, तो झरपुक नहीं होगा। समाधान नहीं कर सका? समाधान होगा कैसे? तुम जैसे बेवकूफों और मूर्खों के रहते हुए खूनी पकड़ने के लिए जंगल में पहरे पर भिजवाया, पहरा गया भाड़ में, ये लोग पेड़ पर चढ़कर खूनी को पकड़ने के बजाय तेल डालकर सो रहे हैं, जैसे शिकार पर निकले हैं। झाड़फूक होगा ही, नौकरी बस्ती है कि नहीं देखो। ए, तुम उठाओ। हेलो, पालन चावला स्पीकिंग। क्या? नरेन, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ सर? नौकरी जाने वाली थी, अब सचमुच चली जाएगी। इसका मतलब? इतने सारे खून और चोरी, और मैं कुछ नहीं कर पाया। और ये नरेन, तुझे भी आज ही इसी वक्त मरना था, मतलब मेरी नौकरी भी गई। सोच रहा हूँ सब कुछ छोड़कर चला जाऊं। कहाँ चले जाओगे सर? हो गया। जी सर। ओसी सर को बुलाओ। अच्छा सर। मैं आ गया हूँ सर। इन सब का मतलब क्या है? इतना खून हो रहा है, चोरी हो रहा है, और आप लोग थाने में बैठ के हवा खा रहे हैं। मतलब भूत। व्हाट भूत?
रमेश, 5 खून हुए हैं, 3 लाख रुपए के गहने चोरी हुए हैं और अब भूत से डर रहे हैं। फाइल दिखाइए। जी ये लीजिए फाइल। वो तुम्हारे दो नमूने कहाँ हैं? पहरे दे रहे हैं जंगल में। किसको? किसको? किसको दे रहा है सर? रविश। रविश पहरा दे रहा है। बुलाइए उन्हें, मैं चार्जशीट दूंगा उन्हें। किसको सर? आप तीनों को। हाँ स्टूपिड, जाइए उन दोनों को मेरे पास भेजिए। जी सर। गुड मॉर्निंग चार, कम इन। चार, मैं आ गया सर, पर इस बार अकेला नहीं, पकड़ के ले आया। किसको पकड़ के लाए हो? भूत ना डकैत? वो तो पता नहीं है सर, मुझे लगता है ये लोग एक किलार पीठ है, मतलब मुजरिम। उस ग्रुप का पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, जैसे भी हो उनका पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं पीट कर निकाल दूंगा। गदाधर चतुर्वेदी के जुरिसडिक्शन में खून। चलो केलार पीट, चलो। हेलो। अरे बाप रे, तो ये लड़की चोर है। सर सर, देखिए गदाधर चतुर्वेदी के जुरिसेशन में चोर, चोरी करती हो। हम लोग चोर नहीं है। हाँ, शुरू शुरू में सब ऐसा ही बोलते हैं, धुलाई खाने से सब मान लेते हैं। बोलो बोलो, गैंग में कौन कौन है? बोलो क्या बात करते हैं? 15 दिनों से रोक कर रखा गया है हमें। रोक के रखा है? रोक के तो मैं रखूंगा, लॉकअप में, उसके बाद जेल, जरूरत पड़ी तो फांसी। 5 खून, 3 लाख के गहने। क्या हुआ रंजीत? रंजीत, रंजीत, माधवी, अंकल आप लोग, ये सब हो क्या रहा है? रंजीत, 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 माधवी, माधवी, मामला गंभीर से अति गंभीर होता जा रहा है, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए कुछ करना पड़ेगा। क्या सोचकर आया था और क्या हो गया? ऐसी खतरनाक खामोशी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। गहने बीच में से लापता हो गए, उसके बाद ये खून। ऐसे खामोश बैठे रहने से मसला हल होगा? कुछ कहती क्यों नहीं? हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, तब से तो मैं आकाशवाणी सुना रहा था। मैं एक बहुत जरूरी बात सोच रही थी। हाँ? क्या सोच रही थी? कुमार को अगर सब सच बता दूं तो। हाँ, ये ठीक कहा। हाँ? सब सच बता दोगी? मतलब हम धोखेबाज मक्कार हैं? धोखेबाज हमें कहने की जरूरत नहीं, सब सुनकर कुमार खुद कहेगा। उसके बाद क्या होगा जानती हो? जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, कर पाओगी ना? हाँ, अगर उससे मेरा थोड़ा सा भी पाप धुलता है तो मैं राजी हूँ। लेकिन मैं राजी नहीं हूँ, इस बुढ़ापे में जेल की चक्की नहीं पीस सकता मैं। तो आप पहले ही यहाँ से भाग जाइए। इसका मतलब तुझे अकेला छोड़कर? विप्लव पांडे जुआरी शराबी हो सकता है, लेकिन कमीना नहीं हो सकता। उससे अच्छा तू एक काम कर कि मैं विप्लव पांडे ने तुझे ब्लैकमेल करके डरा कर जबरदस्ती तुझे इस काम के लिए राजी कराया। क्यों नहीं कर पाएगी? नहीं, आपके ऊपर सारा दोष डाल के मैं खुद बचना नहीं चाहती। अलबत्त कर पाएगी, तेरे सामने है तेरा पूरा भविष्य, सुख शांति से अपना जीवन बिताने के लिए, और इसीलिए विप्लव पांडे को पुलिस के हवाले करना होगा। और अगर तू नहीं कर पाई तो बोल, मैं जाकर बोलूंगा। मुझे बचाने के लिए आप? हाँ, माधवी को नहीं, स्वाति को बचाने के लिए। क्या ऐसे क्यों देख रही है? सोच रही है मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, आप सच कह रहे हैं। सोचती हूँ यहाँ मैं धोखा देने आई थी, पर आके मुझे जो प्यार मिला उसकी मैं हकदार नहीं हूँ। हद पगली, तू क्या जानती है?
विप्लव पांडे एक दिन आया था यहाँ सोना ढूंढने के लिए, लेकिन उसे मिला पारस पत्थर। और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जैकपॉट। नहीं कर पाएगी। डीएसपी साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। उनको बैठने के लिए बोलो, मैं कपड़े बदल कर आ रही हूं। ठीक है। खूबसूरत लग रही हो। तुमसे कुछ कहना था। कुछ कहना था कि बहुत कुछ कहना था। ये बात बहुत जरूरी है। अरे बाप रे बाप, तब तो अभी सुनना पड़ेगा, बोलो। अभी नहीं, शाम को रुद्र प्रताप के मंदिर में। रुद्र प्रताप के मंदिर में? ठीक है, मैं मुंशी जी से मिलकर वहां पहुंच जाऊंगा। तुम अकेले जा पाओगी ना? तुम्हें चलता हूं।
डीएसपी साहब इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते सरला देवी। अच्छा, मैनाक बाबू और माधवी देवी नहीं आए? माफ कीजिएगा, वो लोग मेरे संबंधी और होने वाली बहू है। मैं उन लोगों को इस तरह से सवाल करने नहीं 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 उनसे सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ उनसे भेंट करना चाहता हूँ। ठीक है मुंशी जी, इन लोगों को ले जाइए। आइए, चलिए चलिए। आप रुकिए, मैं अभी आया। ठीक है कुमार, तू अंदर आ। अब बैठिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू। कन्हैयालाल, तुम इतने धीरे क्यों चलते हो बोलो तो। अच्छा कन्हाई, तुम कभी भूत देखे हो? जी नहीं सर। मैंने भी नहीं देखा, पर है, खून करता है, आश्चर्य। अच्छा कन्हाई, दिन में भूत नहीं आते ना? भूत के पास घड़ी थोड़े ना होती है सर, किसी भी समय किसी भी रूप में वो आ सकते हैं। मतलब ये जो मैं कन्हैया लाल हूँ, ये भी तो हो सकता है कि मैं भूत हूँ, यानी कि कहने का मतलब है कि भूत मेरा रूप पकड़ के आपके सामने खड़ा हो। देखो कन्हाई, भूत से मजाक करने, पुलिस से मजाक करने का मतलब समझते हो? नहीं जानता सर। उल्टी धुलाई। नमस्ते, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप लोग भोपाल से यहाँ घूमने आए थे और एक ऐसे झमेले में पड़ गए। छोड़िए, आप लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, इंतजाम कर दूंगा मतलब? नहीं नहीं, मतलब खून चोरी ये सब ना हो, इसका इंतजाम। चाचा जी आपका। मिस्टर चटर्जी, ये है मेरी भतीजी माधवी। माधवी, ये है मिस्टर रंजीत चटर्जी डीएसपी, खून और चोरी की छानबीन करने आए हैं। नमस्ते। अजीब बात है। मतलब? नहीं नहीं, मतलब कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं, देख के लगता है बहुत दिन से पहचानते हैं। चलता हूँ। चलिए मुंशी जी। खैर, एक्टिंग तो मैंने जबरदस्त किया, एकदम समझ नहीं पाया। हाँ अंकल, मुझे बहुत पहले ही शक हुआ था, हाथ में वो निशान देखने के बाद शक और भी गहरा हो गया। मैंने शहर फोन करके पता करने के लिए कहा था, थोड़ी देर पहले खबर मिली कि उसकी प्रेजेंट मदर ने कबूल किया है कि वो जब छोटी थी तब उसे नदी के किनारे मिली थी। मालती जिंदा है? हाँ मालती जिंदा है। ऊपर वाले की कितनी मेहरबानी है, जब उन लोगों की उम्र 3 साल थी, अंडमान से लौटते वक्त उन लोगों का जहाज पानी में डूब गया, भैया ने माधवी के साथ किसी तरह अपनी जान बचा ली, भाभी की लाश मिल गई, लेकिन मालती की कोई खबर नहीं मिली। तब हम लोगों ने मान लिया कि मालती जिंदा नहीं बची, तुम हमें वहां एक बार ले चलो। ये क्या, ये तो भूल भुलैया है, एक ही जगह पे घूम रहे हैं, लगता है रास्ता भटक गए हम लोग। वो शायद एक रास्ता है। ये तो जंगल की तरफ जा रहा है। तो फिर तुम यहां रुको, मैं जरा देख कर आता हूं।
उठ उठ शैतान, नकाब लगा के भूत बन रहा था। कौन है तू? बोल, क्यों खून कर रहा था? बोल। मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो हुजूर। बोल। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता ना। बोल जल्दी जल्दी से बोल। वो लोग मुझे पैसा देकर काम करा रहे थे हुजूर। कौन है वो? बोल बोल। बोल रहा हुजूर, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। वो लोग बहुत खतरनाक आदमी है। उन लोगों में से बोल एक, बोल वो कौन है? बोल बोल जल्दी। उन लोगों में से एक चाचा जी। मैंने सब देख लिया, चल भाग चलते हैं, आखिरी ट्रेन पकड़ने का टाइम है हमारे पास। कहाँ भाग रहे हैं विप्लव बाबू? विप्लव बाबू कौन है? ज्यादा नाटक मत कीजिए, चलिए स्वाति देवी। इधर आओ, इधर आओ। गहने यहां पर हैं। कन्हैयालाल तुम? खबरदार, ना 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 ना, जेब में हाथ घुसाकर रिवॉल्वर निकालने की गलती मत कीजिएगा। आपका खेल खत्म हो गया। हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर। अब अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ चलिए। मूव, कम ऑन, मूव। चलिए। ये लीजिए कुमार साहब, गहने। कन्हैया, तुम? वो कन्हैयालाल नहीं है, ड्राइवर के भेस में मिस्टर नारायण चौबे, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के एक होनहार ऑफिसर। और ये हैं प्रतापगढ़ के काल्पनिक भूत, पहचाना ही नहीं पहचान पाए ना? इन्हें आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। असल में नकली मूंछ, दाढ़ी, चश्मा, टोपी इनकी असली पहचान छुपा रहे। विश्वंभर दत्त बेईमान है। राजा साहब भूतों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए जंगल में खून होने के बाद एक दिन वे हमारे ऑफिस में आए। यह खून किसी इंसान का काम है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है यह समझ में नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आइए नारायण बाबू, बैठिए। थैंक यू सर। ये हैं प्रतापगढ़ के राजा बहादुर। जी नमस्कार। नमस्कार। नारायण बाबू हमारे डिपार्टमेंट के एक होशियार ऑफिसर हैं, इन्हें आपके यहां भेजता हूं। नारायण जी आपके घर में नौकर बनकर रहेंगे, और ये बात आपके अलावा कोई और न जानने पाए। ठीक है, वैसा ही होगा। बाय द वे, एक महीना पहले मेरा ड्राइवर काम छोड़कर चला गया है। अगर ये, वाह, ये तो और अच्छी बात है, किसी को कोई संदेह ही नहीं होगा। मुझे एक ही अफसोस सालता है कि राजा साहब को मैं बचा नहीं पाया। मेरे यहां पर आने के एक दिन पहले उनका खून हो गया, पर यह समझने में देर नहीं हुई कि भूत और कहीं नहीं, इस घर में ही है। स्टेट के मुंशी जी ही इस नाटक के सूत्रधार हैं। इन्हीं के किराए के गुंडे मुखौटा पहनकर डराकर लोगों का खून करते थे, और प्रमाण के अभाव में खूनी पकड़ में नहीं आता था।
जंगल में उत्सव के दिन, इसीलिए मौका देखकर ये खुद खजाने से गहना चुराए, क्योंकि इनके किराए के लोग बिप्लब पांडे और स्वाति देवी के ऊपर इन्हें यकीन नहीं था। बिप्लब पांडे और स्वाति देवी, ये लोग कौन है? कुंवर साहब, ये राज आपके लिए थोड़ा दुखदाई है। वीर सिंह पालन, तुम लोग जाओ स्वाति देवी को लेकर। ये नमक हराम द ग्रेट मुंशी, शहर के सबसे बदनाम गुंडे रघु राय के साथ हाथ मिलाकर स्वाति देवी को उनकी माँ की बीमारी का फायदा उठाकर और बहुत सारे पैसों का लालच देकर यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया था। स्वाति देवी शहर के एक होटल की कैबरे डांसर है, दिखने में एकदम माधवी की तरह। स्वाति देवी शर्मिंदा है, इसलिए आपसे मिलना चाहती है। चार चार स्वाति जी आइए। चलिए। ओ गदाधर चतुर्वेदी का जुरिडिक्शन में। ओ ये सब क्या सुन रहा हूं माधवी? बोलो बोलो, ये सब झूठ है? नहीं कुमार साहब, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। पर प्यार का नाटक करते करते स्वाति देवी सच में आपसे प्यार करने लगी है, और इसीलिए अपनी जान का जोखिम उठाकर भी आज आपको सब कुछ बता देना चाहती थी। सिर्फ पैसों के लिए? सिर्फ पैसों के लिए तुमने मुझे धोखा दिया? इसके अलावा ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम करने का और कोई रास्ता नहीं था उनके पास। वैसे आपको पता नहीं है आपका असली परिचय क्या है, आपकी असली माँ कौन है? मेरी असली माँ? अगर आपको पता होता तब आप इनके झांसे में कभी नहीं आती, क्योंकि जिस माधवी का रूप धर के आप यह नाटक कर रही थी, आप उन्हीं की बहन मालती हैं। आप दोनों बहनें जुड़वा हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप सच कह रहा हूँ। बचपन में नाव डूबने से आपकी माँ मर गई थी और आप गुम हो गई थी। भैया एक पिक्चर देखी थी, सीता और गीता। तू चुप रह सकता? मालती कहाँ गई? मालती आइए अंकल। स्वाति देवी ये है आपके असली चाचा, और वो आपकी बहन माधवी। मैं सब जान चुका हूं, मैं अपना सब कुछ देकर तुम्हें बचा लूंगा। नहीं, मैं एक चोर, एक धोखेबाज हूं। मेरी जो भी सजा होगी वो मुझे मंजूर है। माधवी, माधवी तुम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा प्यार छीनने आई थी, मगर यकीन करो तुम्हारा कुमार तुम्हारा ही है। वो सब रहने दो मालती, पास आओ, आओ मेरे पास, आओ ना। बचपन में पिताजी के मुंह से तुम्हारी बहुत बातें सुना करती थी, सोचती थी अगर तुम पास होती तो। रंजीत बाबू, मैं बहुत थक गई हूं, अंदर जा रही हूं। मैं क्या एक बार के लिए कुमार से मिल सकती हूँ? जाइए, लेकिन जल्दी आइएगा। कुमार, क्या चाहती हो? माफी? अफसोस हो रहा है ना? माधवी को ये अंगूठी दे देना।
दुर्भाग्य का कैसा परिहास है। दो ठग धोखेबाज आराम से घर वापस जा रहे हैं, यकीन नहीं होता। हालांकि सरला देवी ने तेरा मुंह देखकर ही कंप्लेन वापस ले लिया है। तू जानती है, पहली बार किसी बाजी में हार कर मुझे मजा आ रहा है। कुमार को इस तरह धोखा देना अच्छा नहीं होता। मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूं, पर क्या कर सकती है बता, सब किस्मत का खेल है। अरे टिकट, गजब है, बिना टिकट लिए हुए प्लेटफॉर्म पर आ गए। तू बैठ यहां, मैं टिकट लेकर आता हूं। क्या चाहती हो? माफी? अफसोस हो रहा है ना? कुमार। हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। कहाँ? घर। चलो मेरे साथ। मैं माधवी नहीं हूं, स्वाति हूं। तुम ही मेरी माधवी हो, मेरी मोहब्बत। नहीं कुमार, अब ये नहीं हो सकता। माधवी मेरी बहन है और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। इंतजार तो कर रही है, मगर मेरा नहीं, डीएसपी रंजीत का। रंजीत जी? हाँ, वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन मैं तो तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं एक धोखेबाज, एक चोर हूँ। नहीं कुमार, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे कलंक को मुझे खुद ही धोना है। मेरे प्यार की ताकत आज तुम्हारी हर कमी को पूरा करती है। ₹162.50 बेकार हो गए। देखूं अगर एक लौटा सकूं तो। एक नहीं, दोनों वापस कर दीजिए। इसका मतलब? मतलब ये जगह छोड़ के आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। क्या हो, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप घोड़ों के पीछे नहीं, यहां पे जंगल में भटकना होगा। और अब तो मुंशी जी का पोस्ट भी खाली हो गया है। मतलब मुंशी की नौकरी करनी पड़ेगी। हाँ। देखा बेटी, हारी बाजी फिर से जीत गए हम। जब भी बागों में आए बहार, फूलों पे छाए तब प्यार का खुमार। जब भी बागों में आए बहार, फूलों पे छाए तब प्यार का खुमार। सांसों में तेरी खुशबू छाए, सांसों में तेरी खुशबू छाए।